अस्सलाम वालेकुम। आज दावत की तैयारी चल रही है और दावत में मैं आज अफ़ानी पुलाव बना रही हूँ। अफ़ानी पुलाव के लिए मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है 1 kg, और इसमें साथ में देखें पुलाव में जो फैट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये बीफ का गोश्त हो गया। उसके साथ जो हम यखनी बनाने के सामान करते हैं, वो ये रेगुलर तरीका है कि 1 medium size का मैंने प्याज ले लिया, 1 full pod जो है वो मैंने गार्लिक ले लिया, 2 मैंने ये हरी मिर्चें ले ली, हरी मिर्चें हैं लाल इनका कलर हो गया, 1 anise seed ले लिया है, 1 black cardamom ले ली, 2 इलायचियाँ सब्ज़ इलायची ले ली, 1 teaspoon मैंने सौंफ लिया, 1 teaspoon मैंने क्यूमन सीड लिए, और 2 teaspoon मैंने धनिया वो सूखा धनिया जो होता है वो लिया। इससे ही मैं यखनी बनाऊंगी, तो सबसे पहले यखनी चढ़ाते हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। यखनी चढ़ाएंगे तो इंस्टेंट पॉट बनाने का अच्छा जगह नहीं है, तो पीछे काउंटर पे मैं रखूंगी इंस्टेंट पॉट। तो सबसे पहले ये मैंने गोश्त डाला, उसके बाद ये तमाम जो मसाला मैंने आपको बताया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। एक कप पानी डाल दिया, 1 कप या डेढ़ कप पानी डाल दिया, टीस्पून जो है वो सॉल्ट इसके साथ ऐड कर रही हूँ। इसमें अब और कोई मसाला नहीं जाएगा, ये देखिए अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर प्रेशर पे लगा के तैयार कर दूँगी। खाने के लिए गाजर भी मैंने तैयार करके रख ली है, और ये छोले भी जो है वो बॉईल करके मैंने रात में ही रख लिए थे, और उसके साथ किशमिश जाएगी तो किशमिश भी यहाँ टेबल पर मौजूद है, यानी इन्ग्रीडियंट मैंने पूरे तैयार करके रखे हैं। अब यहाँ पे अब हम सैलड शुरू कर रहे हैं, और सैलड कोई खास सैलड नहीं है, रेगुलर गार्डन सैलड की बना रही हूँ, और ये तमाम इन्ग्रीडियंट भूले हैं तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि गार्डन सैलड किस तरह तैयार करती हूँ। ये मैंने धो के रखी हुई थी, बारीक बारीक काटेंगे इसको, क्योंकि मोटा काटो तो ये मिठाई तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में, आज मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अच्छा ये ख़राब पार्ट है तो ये हम निकाल देंगे, और ये अब हम सारा इसमें डाल देंगे। इससे जिसके टूथ होते हैं इससे बहुत आसानी के साथ कट जाता है, वरना टमाटर काटना मुश्किल रहता है। आज हमारे यहाँ बहुत शदीद गर्मी है, हिंदुस्तान में तो लोगों को आदत है, हमें यहाँ आदत नहीं है, और यहाँ तकरीबन पूरा होल वीक ही हो गया, पूरा हफ्ता हो गया यहाँ पे जो है वो गर्मी होते होते, और आज तो बहुत शदीद गर्मी है। किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने पंखा लगाया हुआ है ताकि काम कर लूँ आसानी के साथ। रखिए इसके भी छोटे छोटे चम्स कर लेंगे, क्योंकि बड़ी तो मुश्किल होगी, और ये भी हम सैलेड में डाल देंगे, एक्स्ट्रा इसकी निकाल देंगे। ब्रॉकली भी सैलेड में अच्छी लगती है। सैलड में कोई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज हों या ऑरेंजेस छोटी वाली ये जो होती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेश सैलड में। अगर ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए कितनी जल्दी से ये गार्डन सैलड जो है वो तैयार हो गया है। पड़ी हुई है तो ये भी काट के डाल देंगे, इसमें अच्छी लगती है। ये देखिए कितना कलरफुल सा आपका सैलड जो है झटपट तैयार हो जाता है। सिर्फ इंग्रेडिएंट मैंने धो के रखी होती है, और ये देखिए कितनी जल्दी से तैयार हो जाएगा। मैं इसको सिर्फ मिक्स करूंगी, और कोई सैलड ड्रेसिंग अभी इस पर नहीं डालूंगी। वजह ये है कि
सैलड ड्रेसिंग अभी मैं डाल के ये सौगी हो जाएगा, अभी तो दोपहर है, मैंने तो रात की दावत रखी है तो उस वक्त तक के लिए। इस तरह से मैंने मिक्स कर देना है। ड्रेसिंग तो मैंने कुछ नहीं डाली इसमें, मैंने ये क्रूटॉन्स यहाँ पे अभी डालूंगी। वैसे तो ये फ्रेश ही बाद में ही डाले जाते हैं, अगर मैं भूल ना जाऊँ सर्व करते हुए तो मैं इसको अभी, क्योंकि मैं और कुछ डाल नहीं रही तो ये सही रहेंगे। इसको मैं रैप करके रख दूंगी फ्रिज में तो ये इतना ख़राब नहीं होंगे। क्रूटॉन्स डाल दिए मैंने, वाले क्रूटॉन्स हैं ये, बहुत अच्छा चाहिए मेरे पास, वही सैलड टॉपर है तो मैं ये थोड़े से यहाँ पे डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बस थोड़े से डालते हैं। ये सैलड तैयार हो गया दावत के लिए, ये देखिए ये सैलड तैयार हो गया। ये देखें बड़ी सी ट्रे लिए ताकि अच्छा सा कस्टर्ड बने, और केक कस्टर्ड मैंने पहले ही, ये वनीला का कस्टर्ड मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, और सबको पता है कस्टर्ड किस तरह तैयार करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये मैंने तैयार करके रखा हुआ था। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की, अभी ये मुनासिब मैंने कस्टर्ड इसमें बनाया था। ये मेरे पास लेडी फिंगर बिस्किट्स हैं, ये मैंने इसको ले लिया, आप केक भी डाल सकते हैं, और ये बिस्किट बहुत टेस्टी बिस्किट्स हैं और ये सॉफ्ट होते हैं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से रखती जाऊँगी, जैसे लेयर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम एक कम्प्लीट लेयर इसकी लगा देंगे। कोई और दूसरा फ्रूट नहीं डाल रही मैं आज, मैं सिर्फ पाइनएप्पल ही से बना रही हूँ। पाइनएप्पल को सिर्फ चंक्स इस्तेमाल करेंगे, सिरप नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ चंक्स हम इस पर डाल देंगे, और कोई दूसरा फ्रूट नहीं डाल रही मैं, बस यही डाल दूंगी। इस तरीके से डालते जाएंगे, कहीं पर भी डाल रहे हैं, बस एक तरह की थोड़ा सा सेट इसको, इस तरह से थोड़ा सा सेट कर दें, और इसको दोबारा एक लेयर कस्टर्ड की दोबारा आ जाएगी। बहुत मज़ेदार कस्टर्ड भी तैयार है। ऑरेंज जेली मैंने बना के रखी थी, इसका ऑरेंज जेली की थी, ऑरेंज जेली हम इस तरह से पूरी काट के लगा दूँ, इसी में काट लिया। इसमें से कोई भी चीज़ मगर अभी मैं डालूंगी तो ये कलर छोड़ देगा, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके बहुत मज़ेदार यम्मी सा जो है ये मैंने मीठा कर लिया है। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, कवर करके ठंडा करने रख दूँगी, और उसके बाद फिर जब मैं सर्व करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिलहाल तो फ्रीजर में रखूंगी थोड़ी देर, 10-15 मिनट ये तैयार है, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। ये देखें ये तैयार हो गया। बनाने के लिए मैंने टमाटर की चटनी पहले ही बना दी, क्योंकि ये टमाटर मेरे अपने यार्ड के टमाटर हैं तो ये बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ही, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई बनाते हुए जब डालूंगी तो पानी खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा मैंने इसकी चटनी बना ली। चटनी बनाने का तरीका ये है कि प्याज लाल करके उसमें टमाटर डाले, उसमें नमक मिर्च डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, ऑयल डाल दिया, और ये इस तरह से चटनी तैयार हो जाएगी। और ये क्विकली जो है चिकन कढ़ाई, और आज मैं ज़्यादा कढ़ाई बना रही हूँ, तकरीबन 3 किलो की मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो उस हिसाब से ये मेरी कढ़ाई, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्विकली इससे चटनी से कढ़ाई तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं कढ़ाई का काम शुरू कर रही हूँ, जो सेकंड मेरी डिश है वो कढ़ाई की है, और आज मैंने अपनी ये देखी कितनी खूबसूरत मैंने कढ़ाई ली है, क्योंकि जो चिकन है वो ज़्यादा है तो लिहाजा बड़ी कढ़ाई मुझे चाहिए थी बनाने के लिए, तो लिहाजा आज मैंने ये नई कढ़ाई निकाली है, और ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई है,
और इसकी डेप्थ भी ज़्यादा है, इसका साइज़ भी बहुत बिग है कि हम इसमें तकरीबन 4 किलो गोश्त आराम से, 4 किलो की कढ़ाई आराम से बना सकते हैं। और तकरीबन मेरे पास जो चिकन है, आज मैं ज़्यादा कढ़ाई बना रही हूँ, लिहाजा ये चिकन भी तकरीबन 3.5-4 किलो ही है, तो ये मैं आराम से इसमें बनाऊँगी। कढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाह तो मैंने पढ़ ली है, अब ऑयल डालते हैं। जस्ट डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई के गोश्त के साथ, गोश्त के ऊपर कि कितना गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से ही ऑयल डालें, क्योंकि आज ज़्यादा गोश्त है तो लिहाजा थोड़ा सा मैंने ऑयल ज़्यादा ही लिया है। और अब हम शुरू कर रहे हैं कढ़ाई बनाना। ये मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, क्योंकि ग्रेवी होनी चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल सूखी सूखी कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। और प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें ये डालती हूँ। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया है, मैं प्याज डाल रही हूँ। चिकन ऐड करती जाऊँगी। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे, ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसको पहले अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर मसाले डालेंगे, और जब मसाले डालते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फोर टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, कढ़ाई में इन्होंने पहले नमक, क्योंकि मसाले ये डाल शामिल कर रहे थे, नमक डाला, चिली फ्लेक्स डाले, इन्होंने हल्दी पाउडर डाला, उसके साथ सूखा धनिया। सूखा धनिया डलता नहीं है कढ़ाई में, मगर ये डालते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने बनाते हैं, और आज तो ये कढ़ाई की जो वेट था ये भी ज़्यादा था। हम तकरीबन 4 किलो कढ़ाई बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हमेशा दावतों में ऐसा ही होता है कि प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ, सैलड बना लेती हूँ, मीठा बना लेती हूँ, और बाकी जो भी मेन्यू होता है उसमें हम शेयर कर लेते हैं कि हमने क्या बनाना है, मैंने क्या बनाना है और मेरे हस्बैंड ने क्या बनाना है। तो आज का जो चिकन कढ़ाई था, इसमें मैंने शुरू तो कर ली थी, मसाले इन्होंने ऐड किए, फिनिश इन्होंने की, उसके साथ जो हम आज पेशावरी पुलाव बना रहे हैं या प्लव बना रहे हैं, वो भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है। सारी तैयारी मैंने कर ली थी, यखनी भी मैंने बना ली थी, मगर प्लव को फिनिश भी ये करेंगे। तो बहुत मज़ेदार खाने बनाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने मसाले शामिल किए, मसालों में इन्होंने हल्दी पाउडर डाला, और ये इन्होंने क्यूमन सीड डाला, थोड़ा सा क्यूमन सीड का पाउडर जो होता है, रोस्टेड क्यूमन सीड का पाउडर डाला, और उसके साथ ये एक पूरा कढ़ाई का मसाला, जबकि मकदार ज़्यादा थी आज, जो केजी हम बना रहे थे, तकरीबन 4 केजी हम चिकन बना रहे थे, मगर उसमें हम सिर्फ एक, हमने कढ़ाई पैकेट, कोई भी ब्रांड का आपके पास हो तो सिर्फ एक कढ़ाई पैकेट सिर्फ फ्लेवर के लिए, खुशबू और जायके के लिए, बाकी रेगुलर मसाले हमने अपने ही घर के शामिल किए थे। तो इससे बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होती है, और वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनाते हैं। तो यहाँ एक पैकेट पूरा कढ़ाई मसाले का डाला, और उसके साथ इन्होंने अच्छे तरीके से उसको फ्राई किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, तब भी मैंने चिकन को अच्छी तरह फ्राई किया था। अच्छा, ये चटनी जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने बनाई है, क्योंकि देखिए 4 किलो कढ़ाई में अगर मैं टमाटर इस वक्त इस स्टेज पे शामिल करती तो उनको सुखाने में शाम हो जाती, तो लिहाजा ये चटनी जो है ये बिल्कुल इसमें पल्प है सिर्फ, और इसमें सारा पानी जो है वैसे ही एवोपरेट हो चुका है, तो चटनी बड़ी सॉलिड सी थी। जब हमने इसमें शामिल किया तो फौरन ही चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है, और चटनी वैसे भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, आप इसको रेगुलर भी खा सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 6-7 चम्मच जो है भर के, क्योंकि गोश्त की मकदार ज़्यादा थी, तो 6-7 चम्मच से भी ज़्यादा
ज़्यादा मैंने इसमें भर के जो है वो चिकन चटनी के शामिल किए और फिर इसको अच्छी तरह, अच्छा जैसे ही थोड़ी सी भुनेगी चिकन कढ़ाई की आप शक्ल देखिएगा कि आपको लगेगा फ़ौरन ही तैयार हो गई, क्योंकि टमाटर के डालते ही चिकन कढ़ाई का रंग एकदम से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे थे ताकि मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो। और आपको भी देखें कितना मज़ा आ रहा होगा इसको देखकर भी। और यहाँ पर इन्होंने ये मिर्चें ऐड की, साबुत मिर्चें ही डाल दी, अगर काट के डालो तो थोड़ी तेज़ी हो जाती है, हमें थोड़ा सा मज़ेदार सा जायकेदार मगर थोड़ी माइल्ड उसमें चिकन कढ़ाई तैयार करनी थी। तो चिकन की जो ये मिर्चें हमने शामिल की ये साबुत कर दी ताकि इससे खुशबू और जायका आ जाए मगर तेज़ी पैदा ना हो। और फिर अब मैं यहाँ पर इसका मसाला चेक कर रही थी कि अगर कोई भी चीज़ कम है तो हम इसी स्टेज पर उसे चेक करके उसको डाल दें, उसको सही कर दें। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब कढ़ाई बिल्कुल तैयार थी और अब इसे गार्निशिंग शुरू की। गार्निशिंग वही कि कोरिएंडर लीव डालें, अदरक, अदरक तो इस कढ़ाई का एक कहते हैं कि एक लाजमी जुज़ है कि बहुत मज़ेदार लगती है। मुझे तो अदरक वैसे भी खानों में बहुत अच्छी लगती है, तो अदरक के जुलिन की भी अदरक डाली और हरा धनिया डाला, उसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाला और इसके साथ जो इसका फाइनल और मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे कढ़ाई बिल्कुल बाज़ार वाला टच देती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि काला नमक हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, काले मिर्च इन्होंने डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के कढ़ाई को फाइनल टच दे दिया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमने इसलिए रखा था, ये आपको टिप दे रही हूँ मैं, कि जब भी आप घर में कढ़ाई तैयार करते हैं दावत के लिए तो बिल्कुल उसको ड्राई मत कीजिए, थोड़ा सा पानी उसमें रहने दीजिए, क्योंकि जब आप दोबारा इसको खाने के वक्त सर्व करने के लिए गर्म करेंगे तो वो हल्का सा पानी बिल्कुल ठीक तरीके से कढ़ाई गर्म भी कर देगा और आपकी कढ़ाई ख़राब भी नहीं होगी, तो उस वक्त बिल्कुल अच्छी शक्ल नज़र आएगी। ये देखिए ड्रिंक भी बना के मैंने इसमें रख लिया है ताकि लोग ज़्यादा हैं, गर्मी बहुत है तो जब आएंगे तो उसी वक्त मैं आइस भी डाल दूँगी इसमें। और ये सब तैयारी मुकम्मल है, काउंटर पे मैंने पहले ही ये सेट करके रख दिया। और यहाँ पर मैं चपली कबाब फ्राई कर रही थी, ये पहले से तैयार हुए हुए फ्रीज़र में रखे हुए थे तो आज मुझे मैंने इनको इस्तेमाल किया तो बहुत ही टाइम मेरा सेव हुआ। तो देखिए कितने मज़ेदार से चपली कबाब भी तैयार हो जाते हैं दावत में अगर आपके पास फ्रीज़र में वो मौजूद हैं। और यहाँ देखिए कितने मज़ेदार ये नज़र भी आ रहे हैं। इसके साथ ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो पुलाव की, पेशावरी पुलाव की, जो अख़वानी पेशावरी पुलाव कहते हैं या नमकीन पुलाव कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और आज ये पुलाव घी में बना रहे थे। अच्छा इन्होंने घी डाला, उसके बाद घी को गर्म किया, उसमें प्याज डाली, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, काली मिर्च डाली, लौंगें डाली, तेज़पत्ता डाला, एक एनासीड खुशबू के लिए, पुलाव में खुशबू के लिए एनासीड बहुत अच्छा लगता है वो डाल के इसे फ्राई किया। और अब देखिए कि ये इसमें अब मीट ऐड करेंगे जो पहले से ही टेंडर मौजूद है और उसके साथ भी अच्छी तरीके से ये फ्राई करेंगे। तो बड़ा मज़े का पुलाव था, बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ। ये देखिए ये हमारे पास लैम्ब का मीट था तकरीबन 1 kg जो पहले से मैंने टेंडर करके रख लिया था। अब ये इसके साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसमें ये अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, तकरीबन इन्होंने 2 tablespoon जिंजर, 2 tablespoon गार्लिक के डाल के इस मीट को उसके साथ अच्छे तरीके से फ्राई किया। अच्छा इसमें इस पुलाव को बनाने के लिए, इसको पेशावरी पुलाव के हैं, नमकीन पुलाव के हैं या अख़वानी पुलाव के हैं, इसको बनाने के लिए इसमें इन्होंने टमाटर, फ्रोज़न टमाटो वो भी डाले और जो चटनी मैंने तैयार करके रखी हुई थी वो भी डाली, उससे बड़ा अच्छा जायका आया। और उसके साथ साथ आज हम जो नमकीन पुलाव बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि पेशावर के पुलाव के अंदर जो है वो छोले डलते हैं, छोलों के साथ गाजर और किशमिश, तो बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी, मतलब बिल्कुल ही यूनिक सा टेस्ट था, बहुत मज़ेदार टेस्ट था। और चूँकि मीट हमने लिया था लैम का तो एक बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पेशावर में ही बैठ के हम ये पुलाव खा रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि टमाटर डाले हैं, फ्रोज़न 4 टमाटर डाले क्योंकि 1 kg
बीट था उसके साथ चावल भी शामिल थे, तो लिहाजा चार टमाटर डाले और टू टेबल स्पून इन्होंने वो टोमेटो पेस्ट जो मैंने बना के रखा था टोमेटो की चटनी वो डाला और इसके साथ भी अच्छी तरह से फ्राई किया और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको कवर करके इसमें देखें साबुत मिर्चें। अच्छा, ये जो पुलाव बनता है ना इसमें अगर आप ग्रीन चिली साबुत डालें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी डाला था, वो मैं भूल गई इसमें दिखाना कि और उसके साथ ये जो प्लफ़ का हमारे पास मसाला, इससे पहले मैं आपको मसाले की रेसिपी दे चुकी हूँ कि ये प्लफ़ का मसाला किस तरह तैयार होता है, तो वो बना हुआ रखा था तो वही शामिल किया। तकरीबन 2 टीस्पून इन्होंने प्लफ का मसाला शामिल किया। इसमें सिनेमन होती है, क्यूमन सीड होते हैं और काली मिर्चें होती हैं, लौंग होती है, बड़ी इलायची होती है, तो सिनेमन का जो और क्यूमन का जो जायका होता है वो इससे प्लफ का जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो ये इसमें इन्होंने शामिल किया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर टेंडर हो जाए। अच्छा, ये छोटा सा क्लिप एक रह गया था जिसमें इन्होंने इसके अंदर गाजर ऐड की, छोले डाले और किशमिश डाली, वो थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे। अब यहाँ पे मेहमान आ चुके थे तो उस वक्त हम ये फिनिश कर रहे थे लिहाजा जल्दी जल्दी काम हो रहा था। तो यहाँ पे जो चावल मैंने 4 कप चावल, अब मेरा स्टैंडर्ड जो चावलों का है उसके हिसाब से 4 कप चावल मैंने लेके इसे सोख करके 1 घंटे पहले वॉश करके सोख करके रखे हुए थे, तो वो इन्होंने इसमें शामिल किए। और उसके साथ अब ये मेकअप करेंगे, जो यखनी थी हमारे पास जो हमने टेंडर किया था, मीट यखनी बनाई थी, तो वो इसमें शामिल करेंगे। और अगर थोड़ा सा लगेगा तो इसमें गर्म पानी शामिल करके इसको दम पे लगाएंगे। तो यहाँ ये देख रहे थे कि इसको अच्छी तरह पहले इन्होंने मिक्स किया और उसके बाद ये देख रहे थे कि इसमें कितना पानी शामिल करना है। पहले तो ये सारी जितनी भी यखनी थी 1 कप की बनाई थी, वो 1 कप की यखनी इसमें शामिल कर दी। अच्छा, 1 कप की यखनी का मतलब होता है कि जो 1 कप मैंने टेंडर करने के लिए मीट को डाला था पानी, उसकी यखनी बड़ी थिक सी और बहुत जायकेदार यखनी होती है, तो वो शामिल की। और अब अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम थोड़ा सा रेगुलर पानी जो बॉयल वाटर होता है वो ऐड करके मेकअप कर लेते हैं कि हमें कितना पानी इसमें शामिल करना है। अच्छा, अब इन्होंने तकरीबन 1 कप की यखनी शामिल की और 1/2 कप पानी और डाला था इन्होंने, और उसके साथ ही अब ये देख लेंगे कि कितना और डालना था। और मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा चले इतना होना चाहिए कि 1 उंगल चावल डिप करे। तो आप इसको देखिएगा कि इसमें बाकायदा आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि चावल नीचे है, तो बस इस पर ही हमने जो है वो अब दम लगा देंगे। और दम लगा के जब हमने इसको देखा था तो बहुत मज़ेदार पुलाव, देखें ये देख रहे हैं कि कितना डिप हुआ है चावल। तो अब ये इतना काफ़ी था इन चावलों के लिए, हर एक के चावलों का अलग वो होता है। और यहाँ पर ये लोग जो हमने जिनको इनवाइट किया था वो मेरे लिए अपने फार्म से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी लेमिनेट बनाते हैं, तो जल्दी से मैंने स्ट्रॉबेरी लेमिनेट बनाना शुरू किया। तो ये देखिए कितना मज़ेदार स्ट्रॉबेरी लेमिनेट तैयार हो रहा है। स्ट्रॉबेरी लेमिनेट की भी मैं आपको पहले रेसिपी दे चुकी हूँ, ये देखिए बड़ा मज़े का, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो ड्रिंक बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने खाने के साथ रख दिया था स्ट्रॉबेरी लेमिनेट। और ये देखिए चावलों में दम लग गया था, चावल बहुत मज़ेदार ये पेशावरी प्लफ तैयार हुआ था, और इसमें छोले, किशमिश, गाजर और जो गोश्त है उसका जायका बहुत मज़ेदार लग रहा था। यहाँ मैंने टेबल सेट कर दी थी, तमाम खाना रख दिया था, और इसमें मीठा शामिल नहीं था क्योंकि मीठा तो फ्रिज में रखा था, वो तो खाने के बाद ही सर्व करना था। तो यहाँ पे देखें सैलड कितना अच्छा नज़र आ रहा है, प्लफ मैंने एक और ट्रे में भी रख लिया था, रोटी है, सैलड है। और मैंने इस दावत के अंदर जो कढ़ाई सर्व की वो कढ़ाई के अंदाज़ में ही सर्व की, कि मैंने पूरी कढ़ाई को लाके ही टेबल पे रख दिया था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रॉबेरी लेमिनेट भी रख दिया, चपली कबाब भी रख दिए, और सैलड भी बहुत टेस्टी था। सारा खाना बहुत, मतलब डिशेस कम थी मगर बहुत ही जायकेदार खाना तैयार हुआ था। तो ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाया, इसके बाद फिर मेहमानों ने आके खाना लिया जो मैंने क्लिप नहीं बनाया। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी अच्छी एपिसोड में आपसे मुलाकात करूँगी, किसी दावत पे, कहीं बाहर, किसी भी अच्छे खाने में आपसे मुलाकात करूँगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।